हे हेलो एवरीवन, बिल्कुल ठीक पढ़ा है थंबनेल में आपने। आज बात करेंगे झारखंड के बारे में। देखिए, इंडिया के अंदर जितने भी राज्य हैं उन सारे राज्यों में से झारखंड एक बड़ा खास राज्य है, क्योंकि अमीर वाला गरीब राज्य है। अमीर वाला इसलिए क्योंकि इंडिया के अंदर जितने भी मिनरल रिसोर्सेज हैं, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उन सारे रिसोर्सेज में से 40% रिसोर्सेज अकेले सिर्फ झारखंड के अंदर है। ये पहला रीजन है इसकी अमीरी का। दूसरा रीजन, टोटल 3.25 करोड़ की पॉपुलेशन में से 75% पॉपुलेशन ऐसी है जो एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन है, यानी कि यहाँ पे काम करने वाले लोग भी बहुत सारे हैं। तीसरा रीजन, अपने टोटल एरिया साइज में से 30% एरिया पे इसके फॉरेस्ट है, यानी कि यहां पर प्राइमरी रिसोर्सेज भी काफी सारे हैं। अब इतनी सारी अमीर पॉइंट होने के बाद भी झारखंड एक गरीब राज्य है। यहां पर 40% पॉपुलेशन ऐसी है जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहती है। 20% पॉपुलेटेड बच्चे ऐसे हैं जो कि कुपोषण के शिकार है। और अगर मैं सालाना इनकम की बात करूं तो मैं सिर्फ 31,000 रुपए पर कैपिटल इनकम है यहां के एक एवरेज इंडिविजुअल की। अब ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है कि एक राज्य जो 40% नेचुरल रिसोर्सेज अपने साथ रखता है, मिनरल रिसोर्सेज रखता है, 75% एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन है, 30% फॉरेस्ट है, वहां पर 40% बिलो पॉवर्टी लाइन के इंडिविजुअल रहते हैं। इसके पीछे तीन बड़े रीजन है। पहला बड़ा रीजन, इनस्टेबल गवर्नमेंट। देखिए, झारखंड बिहार से अलग हुआ था 2000 में। ईयर 2000 से लेकर के लगभग 2020 तक इन 20 सालों के अंदर जो सरकार 4 बार बदलनी चाहिए थी, वो इन 20 सालों में सरकार बदल गई 10 बार। 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। क्यों? क्योंकि वहां पर जितने भी पॉलिटिकल इंडिविजुअल जाते हैं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी झारखंड में जाती है, वो सिर्फ सेल्फ सेंट्रिक अपने बेनिफिट के लिए जाती है। वो झारखंड में किसी बड़े डेवलपमेंट को होने नहीं देते। इसीलिए झारखंड के अंदर कोई बड़ी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं है, कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं है, कोई बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट वहां पे काम नहीं करता, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पाता, जिसकी वजह से धीरे धीरे झारखंड के लोगों का पॉलिटिकल पार्टीज पे से भरोसा उठने लग गया है। वहां पर धीरे धीरे कास्ट पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से लोगों का डेवलपमेंट काफी हद तक बंद हो गया। और रही जो 40% मिनरल और नेचुरल रिसोर्सेज वहां पर अवेलेबल है, तो कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है, इसलिए वो नेचुरल रिसोर्सेज भी अब उनके काम नहीं आ रहे। ये था पहला रीजन झारखंड की गरीबी का। झारखंड की गरीबी का दूसरा रीजन है ज्योग्राफिकल डिसएडवांटेज। देखिए, किसी भी राज्य की लोकेशन दो तरह से हो सकती है। पहली लोकेशन होती है उसकी लैंडलॉक स्टेट और दूसरी होती है उसकी कोस्टल स्टेट। पहले बात करते हैं कोस्टल स्टेट क्या होती है। कोस्टल स्टेट एक ऐसी स्टेट जो लगभग सी के आसपास, समुद्र के आसपास बनाई गई हो, जैसे कि गुजरात है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु है, केरला है, ये नहीं कहते हैं कोस्टल स्टेट, क्योंकि ये सी एरिया के आसपास बनाई गई है, इसीलिए शिप्स की फैसिलिटी आना जाना काफी आसान है। यानी कि सीधे शब्दों में बात करूं तो यहां पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट की फैसिलिटी ज्यादा मिल जाती है, जिसकी वजह से ज्यादा एक्सपोर्ट होता है, ज्यादा इंपोर्ट होता है, इकोनॉमी डेवलप होती है, बिजनेस डेवलपमेंट होता है, स्टैंडर्ड बढ़ने लग जाता है और लोगों के पास थोड़ी पर कैपिटल इनकम बढ़ जाती है। इसीलिए गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरला थोड़े अपडेटेड राज्यों में से आते हैं। लेकिन क्योंकि झारखंड एक लैंडलॉक स्टेट है, इसके आसपास सिर्फ लैंड है, कोई सी पोर्ट एरिया नहीं है, इतने 40% मिनरल रिसोर्सेज होने के बाद भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है, क्योंकि कास्ट पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल पार्टी यहां पर कोई डेवलपमेंट करती नहीं है, इंडिविजुअल यहां के एग्रीकल्चरल है, इसलिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते। और धीरे धीरे देखते देखते ज्योग्राफिकल डिसएडवांटेजेस की वजह से झारखंड एक गरीब राज्य बन गया। यह था इनका दूसरा रीजन इनकी गरीबी का। झारखंड की गरीबी का तीसरा रीजन है एग्रीकल्चरल नैरो विजन। देखिए, झारखंड की पॉपुलेशन 3.25 करोड़, 3.25 करोड़ में से 75% पॉपुलेशन एग्रीकल्चरल बेस है, यानी कि मेजॉरिटी इंडिविजुअल सिर्फ एग्रीकल्चरल पे फोकस है और जो बाकी की पॉपुलेशन है वो सिर्फ किसी गवर्नमेंट जॉब को लेना चाहते हैं। यहां पर इतने सारे नेचुरल रिसोर्सेज होने के बाद भी, इनके टोटल एरिया साइज का 30% फॉरेस्ट होने के बाद भी, कोई भी इंडिविजुअल यहां पर बिजनेस शुरू नहीं करना चाहता, एंटरप्रेन्योरशिप शुरू नहीं करना चाहता, अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग हाउस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट शुरू नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर वो बिजनेस करता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है, एंटरप्रेन्योरशिप करता है, तो कहीं ना कहीं उसे दहेज नहीं मिलेगा। इस तरह का नैरो विजन यहां पे आ चुका है। तो यहां के इंडिविजुअल या तो एग्रीकल्चरल हैं या फिर नैरो विजन है टुवर्ड्स गवर्नमेंट जॉब। अगर इन्हें गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो इन्हें दहेज भी काफी अच्छा मिलता है। एक आईएएस ऑफिसर को 1 करोड़, आईपीएस को 80 लाख और डॉक्टर को 50 लाख का दहेज मिलता है। इसीलिए यहां पर इंडिविजुअल एग्रीकल्चरल पे फोकस है या फिर उसका नैरो विजन है गवर्नमेंट जॉब के लिए। यह था इनका तीसरा रीजन इनकी गरीबी का। इन तीन रीजन की वजह से झारखंड, जहां पर 40% नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है, वहीं पर 40% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहती है। अगर यह वीडियो पसंद आई है लाइक करिए, फ्यूचर में ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगती है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करेगा। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए इंफॉर्मेशन के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।